जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। और आज की वीडियो में मैं लैपटॉप की वीडियो दूंगा। यहाँ पे 5 लैपटॉप की बात करेंगे आपके लिए 50,000 रुपए के आसपास। ऐसे तो मैंने कई सारे लैपटॉप के रिव्यू किए हुए हैं, खरीदे भी हुए हैं, लेकिन ब्रांड्स वाले अगर भेजते हैं ना भाई, वो महंगे वाले भेजते हैं, 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। वो सारे मस्त परफॉर्मेंस देते हैं, मस्त डिस्प्ले देते हैं। तो आप लोगों में से काफी सारे लोग नॉर्मल यूजर की तरह, अगर मैं भी होता यही कहता भाई बजट वाले तो दिखाओ। नॉर्मली तो मैं प्रोडक्ट खरीद के ही रिव्यू करता हूँ, बट क्या करें, इतने लैपटॉप खरीद लूंगा कहाँ लेकर कहाँ जाऊंगा। तो सीधी कहानी ये है कि इस वीडियो को आप देखो, उसके बाद अगर जो लैपटॉप आपको ठीक लगता है ना, उसके कुछ रिव्यूज चेक करो, कितने पोर्ट है, क्या कैसे है। क्योंकि एक चीज बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इवन आपको कुछ जरूरी बातें बताएंगे जो आपको डिसीजन लेंगे बेटर लैपटॉप लेने में। इवन मैंने एक वीडियो दिया था, काफी पहले दिया था, लेकिन आज भी उस वीडियो को आप देख सकते हो अपने बेटर लैपटॉप बाइंग डिसीजन के लिए। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जो मुझसे कह रहे थे कि भाई हाँ कुछ लैपटॉप रिकमेंड कर सकते हो 50,000 रुपए के आसपास, तो मैं वो ट्राई कर रहा हूँ। सो पहला लैपटॉप उनके लिए जिनको भाई गेमिंग करनी है और जिनको करना है मतलब परफॉर्मेंस वाला काम ज्यादा है, सो उसके लिए गेमिंग लैपटॉप होते हैं। गेमिंग लैपटॉप का नाम आते याद रखिएगा, इसकी बैटरी कम चलने वाली है, थोड़ा दिख रहे मोटे वोटे होते हैं लैपटॉप। एक और चीज बता देता हूँ, एडिटिंग में वैसे तो मेन सीपीयू का काम होता है, लेकिन जीपीयू का भी काम पड़ने लग गया है। ये डिपेंड करता है आप कैसी एडिटिंग करते हो। जैसे ये वाला पीसी मैंने बिल्ड किया हुआ है, ये एक हाई एंड पीसी है। ये वीडियो जो एडिट हुई ना, ये कल वाली वीडियो है, कल आपने इस वीडियो को देख चुके हो। ये 4K फाइल है, 4K पे रेंडर कर रहे हैं हम लोग, और ये टाइम दिखा रहा है 3 मिनट के आसपास रेंडर टाइम। और यहाँ देख लो सीपीयू भी यूज हो रहा है और जीपीयू भी यूज हो रहा है नीचे। और अभी हमने जीपीयू को डिसेबल कर दिया, ये देखो जीपीयू यूज नहीं हो रहा है। जैसे हम जीपीयू यूज नहीं करते ना, सिर्फ सीपीयू के नाम पे 1 घंटे का टाइम हो जाता है। हमने ना जीपीयू कम्प्लीटली डिसेबल कर दिया था सिर्फ दिखाने के लिए, नहीं तो इंटीग्रेटेड जीपीयू होता है ना लैपटॉप वगैरह में, वो सारा मतलब वो भी काम करता है, तो इतना लंबा टाइम ही लगेगा। लेकिन आपको ये पता लग गया कि भाई जीपीयू का क्या रोल है, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए कहा गया था, घर पे ट्राई ना करें। तो आज की डेट में अगर अच्छी एडिटिंग करते हो प्रीमियर वगैरह, यानी कि अब आप ये नहीं कह सकते गेमिंग लैपटॉप मैक्सिमम परफॉर्मेंस के लिए सीपीयू बना होता है इसीलिए वो बेटर होता है एडिटिंग के लिए, नहीं, उसका जीपीयू भी एडिटिंग में काम आता है। और मेरी बात का मतलब ये बिल्कुल मत निकालना कि भाई अगर जिस लैपटॉप के अंदर अलग से ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप वीडियो एडिट नहीं कर सकते। वो बजट पे, अगर आप 40,000 रुपए में बजट में ढूंढ रहे हो तो आपको एक अच्छा सीपीयू और ग्राफिक कार्ड का कॉम्बिनेशन मिलना मुश्किल हो जाता है, दोनों अच्छा हो तो आप एक अच्छे सीपीयू के साथ भी एडिटिंग कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने सिर्फ फर्क बताया कि एडिटिंग में अगर आपके ऑप्शन में ग्राफिक कार्ड मिल रहा है तो डेफिनेटली उसकी तरफ जाना चाहिए, लेकिन पहले अच्छे सीपीयू के साथ। तो इतने बड़े ज्ञान के बाद पहला लिस्ट में है MSI GF63, 54,000 का है। मेन स्पेसिफिकेशन आपके सामने है, जैसे कि i5 10th जनरेशन, 8GB का यहाँ पे रैम है जिसको अपग्रेड करके आप 32GB तक जा सकते हो, 1TB का हार्ड डिस्क है, 4TB का ग्राफिक कार्ड है यहाँ पे GTX 1650 Max Q, फुल HD डिस्प्ले 15.6 इंच की। ये लैपटॉप मैं लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ 50,000 रुपए के आसपास हम लैपटॉप की बात करने वाले इस वीडियो में, लेकिन अगर मैं होता ना इसको बाय नहीं करता शायद। रीजन बताता हूँ कैसे। जितने लैपटॉप का प्राइस बता रहा हूँ ये नॉर्मल प्राइस है भाई, कार्ड वगैरह के साथ आपको सारे लैपटॉप पे डिस्काउंट मिलेगा और कई बार डिस्काउंट कम ज्यादा ऊपर नीचे होता है, तो आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा कुछ लैपटॉप के। जैसे ये गेमिंग लैपटॉप है लेकिन इसके अंदर 60Hz डिस्प्ले है, जो कि गेमर्स के लिए भाई इतनी अच्छी बात नहीं, और साथ में हार्ड डिस्क है। आज की डेट में SSD चाहिए सबको, और इस रेट में तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि SSD लगाया था हमने इस लैपटॉप में। आज की डेट में इस लैपटॉप की दुनिया बदल गई है एक्सपीरियंस में, तो इसीलिए मैंने कहा मैं होता मैं नहीं लेता, मैं 4,000 रुपए और लगाता। बिना डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, याद रखना आपको और सस्ता पड़ेगा। तो 58,000 रुपीज में MSI का यहाँ पे हमारे पास है GF75। ये पूरी मतलब सीरीज है, थोड़ा थोड़ा महंगा महंगा होता रहता है, चीजें चेंज होती रहती है। अब ये बड़ा लैपटॉप है भाई, 17 इंच की डिस्प्ले है, लेकिन ये 144Hz है, 512GB की यहाँ पे SSD भी लगा दिया इन्होंने। हालांकि जो पिछले वाला बताया ना मैंने हार्ड डिस्क के साथ, उसमें SSD को लगाने का ऑप्शन है, लेकिन अगर आप बाद में पैसा खर्चने ही जा रहे हो तो फिर यही खर्चा जाए अभी। और एक ऐसी चीज जो कि इस रेट में नॉर्मल लैपटॉप में मिलेगा ही नहीं, इसमें रैम जो है ना है तो 8GB, लेकिन इसको 64GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, यानी कि सोचो आप फ्यूचर के हिसाब से कितना सही है ये। लेकिन अगर आपके मन में आ रहा है कि भाई मुझे गेमिंग तो नहीं करनी, यानी कि ग्राफिक कार्ड ना हो तब भी चलेगा लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस हो, बैटरी लाइफ अच्छी हो, HP 15, प्राइस 50,000 रुपीज के आसपास, राइजन 5 5500U प्रोसेसर, और ये 6 कोर वाला है। MSI में अगर आप पूछोगे कितने कोर था, उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, बट आई एम श्योर उसमें 4 कोर ही होगा। 8GB का रैम है जिसको डेफिनेटली आप 16GB तक अपग्रेड कर सकते हो, 512GB का SSD मिलती है NVMe, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा, बैकलिट कीबोर्ड नहीं है ये भी याद रखना आपको। बैकलिट कीबोर्ड मतलब ये कीबोर्ड में बत्ती होती है, जलती है ना ऐसे लाइटें जलती हैं। व्हाट इज दिस बत्तियां? हैप्पी दिवाली। फुल HD डिस्प्ले है 15.6 इंच, 250 nits के साथ आती है, ऐसे सुपर ब्राइट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ। उसके बाद हमारे पास जो लैपटॉप है ये है Realme Book i3 11th जनरेशन के साथ, प्राइस 47,000 फ्लिपकार्ट पे मिलेगा।
यही वाला लैपटॉप है ये ना, ऐसे काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा, इसकी वीडियो नहीं आई थी। हालांकि ये हाइयर वेरिएंट है तो ये महंगे वाला है, लेकिन ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 50,000 से नीचे है। ये नीचे से मैकबुक जैसा लगता है, बाजू से भी ऊपर से भी। रियलमी वालों ने बेजल्स वगैरह और पतले कर दिए हैं। और भाई इंस्पिरेशन या कॉपी जो मर्जी कहो, इन्होंने सारी सीमाएं पार करी हुई है। डब्बा भी सेम दिखता है इनका, साइड में ये देख रहे हो, ये वो वाले बच्चे हैं जो एग्जाम में चीटिंग करते थे, पूरा उठा लेते हैं डिक्टो। ये उनके लिए है जिनको भाई ऐसे डिजाइन चाहिए, मस्त दिखने वाला लैपटॉप चाहिए, प्रीमियम सा लैपटॉप चाहिए, इवन डिस्प्ले ब्राइट चाहिए, जिसको बाहर आउटडोर में यूज करना, ऑफिस लेके जाना है, अट्रैक्टिव है डेफिनेटली। और ये जो 47,000 वाला है, इसमें i3 11 जनरेशन है। एक बात तो आपके मन में आता होगा, भाई i3 11 जनरेशन कैसे डाल दिया इस रेट में डिजाइन बिल्ड वगैरह के साथ। तो ये डुअल कोर है, कोर 6 कोर, 4 कोर, 8 कोर, 2 कोर, तो ये कोर का भी फर्क होता है सेम प्रोसेसर के साथ। ये छोटी छोटी चीज है जिसपे आप लोग कम ध्यान देते हो, तो इसमें इनकी गलती नहीं है भाई, जिस प्राइस में दे रहे हैं यहाँ पे डुअल कोर कई सारे लोग देते हैं। और ये लेटेस्ट i3 11 जनरेशन है, 8 GB का रैम है, और इसकी फ्रिक्वेंसी भी मस्त है, 3700 MHz के आसपास, और 256 GB की NVMe SSD है, और ये 14 इंच की काफ़ी ब्राइट 2K डिस्प्ले के साथ आता है। और इसमें आप रैम भी अपग्रेड नहीं कर सकते, तो उसके लिए नहीं है जिसको बस सीधा सीधा बाय करना है। लेकिन एक सवाल आपके मन में होगा, मेरे मन में भी वही है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि ये रियलमी अभी नए हैं, रियलमी हो चाहे रेडमी हो, ये सब लैपटॉप के मार्केट में नए हैं। हालांकि ये सब भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपनी जगह, ये चीज़ आप तो ध्यान रखना कि आपके शहर में सर्विस सेंटर है नहीं है, वो सब आप देख लेना। और अगर आपके मन में आ रहा है नहीं भाई हमको नहीं लेना, हम दूसरे ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं, तो एसुस का देख सकते हो आप, 47,000 का है ये। इसका नाम है एसुस वीवो बुक K15, OLED डिस्प्ले के साथ आता है ये, 15.6 इंच का ये एक फुल HD+ OLED डिस्प्ले है। और ये भी आता है i3 11th जनरेशन के साथ, डुअल कोर ही है इसमें भी, 8 GB का रैम है, लेकिन इसमें अपग्रेड कर सकते हो 12 GB तक, 256 GB का NVMe SSD है, साथ में अलग से हार्ड डिस्क भी लगा सकते हो। और जिसमें मैं अलग से ग्राफिक कार्ड नहीं बता रहा हूँ, मतलब उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, इसमें भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है। तो इस लैपटॉप का मेन टारगेट है डिस्प्ले की तरफ, यहाँ पर 400 nits की OLED डिस्प्ले, ये इसको एक यूनिक बनाता है, यानी कि डिस्प्ले ब्राइट भी होगी और साथ में तो ऐसे वीडियो वगैरह देखोगे तो डार्क जो ब्लैक सीन होगा ना, वो ज़्यादा पिच ब्लैक दिखाई देगा। तो OLED डिस्प्ले होने की वजह से ये टी शर्ट ज़्यादा ब्लैक दिखेगी, और सब्सक्राइब वाला बटन बढ़िया दिखेगा रेड वाला, तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना, पता नहीं क्या बोल गया मैं। OLED की यही प्रॉपर्टी है, तो आप कुछ रिव्यूज जरूर चेक करना, इसको कंसीडर कर सकते हो उसके बाद। तो ये कुछ 5 थे, और अगर आपको इन 5 ना पसंद आया ना तो भी ध्यान रखना, ग्राफिक कार्ड और CPU का आपको चक्कर बता दिया, जितने ज़्यादा कोर मिल जाए अच्छी बात है CPU का, साथ में NVMe SSD जरूर देखना, और जब रैम की फ्रिक्वेंसी देखना तो 32 MHz तो जरूर देखना, ऊपर जितना मर्जी हो अच्छी बात है। तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया इस तरह का वीडियो बिना परचेस किए आपके लिए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी ऐड किया इसीलिए वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।